यार टी ब्रेक से पहले इंग्लैंड के 173 पे 3 आउट थे और टी ब्रेक के बाद 183 पे 8 आउट हो गए। इतना बड़ा कोलैप्स मैंने आज तक नहीं देखा। बाप सिर्फ इंडिया है, इंडिया सिर्फ बाप है, इंग्लैंड कहां से बाप बनती पीडीए टेस्ट का। ये सिर्फ बातें ही थी जो हवा में उड़ गई हैं। अब इंडिया बाप है, इंडिया ने इनको बाप बनके बता दिया। ये इंग्लैंड वाले तो बच्चे हैं। इंग्लैंड वालों को पता चल गया कि क्रिकेट में बाप कौन है। ये लेकिन देखें इंडिया ने बंदर बना के रख दिया। सर बंदर बना के, सर अश्विन के हवाले से क्या कहेंगे। कम पड़े हमारे पास रिकॉर्ड गिनवाते हैं, अभी फिंगर टिप्स से गिनवाते हैं कम पड़े। 10 विकेट उड़ा के रख दी इंग्लैंड की टीम को, जो इतनी बड़ी पायनियर ऑफ क्रिकेट मानी जाती थी। इस बात में कोई शक नहीं, उनकी कैप्टनसी और अश्विन की 500 विकेट भी कंप्लीट हुई अपने होम ग्राउंड में, 350 का रिकॉर्ड भी बना, ठीक है। उसके बाद सारा क्रेडिट इस टाइम इंडिया की टीम जहाँ पे भी खड़ी है ना, ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा। डके डुके जो भी थे अश्विन का, कहते ना गरजना बरसना, तो कैच में जब पकड़े ना इतने ट्रोमे में चले गए। उसके बाद ने प्रूव किया वी आर द वर्स्ट टीम। देखें जिस तरह से 9th इनिंग आ गई है, एक इनिंग में भी नहीं चल सके, बैट्सबॉल की रट लगी हुई है। भाई कम से कम बैट्सबॉल खेल के तो दिखा दो। बेन डकेट बयान आती दही जा रहा है, भाई जायसवाल हमसे सीख रहा है, भाई उसने सीख लिया कुछ तू भी कर ले। देखिए आज जिस तरह से बेन स्टोक की स्पेशली बात करूंगा, भाई मुझे मारो यार, इंडिया ने क्या किया है पता ही नहीं आ रहा, मैच खत्म कर दिया भाई। इंडिया ऐसे ही करता है, इंडिया ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी होता है ना पाकिस्तान का। जब मैच फाइनल भी अगर जीत जाते तो काफी अच्छा होता। क्या बात है, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं आप? कोहली पर्सनली मैं कोहली को सपोर्ट करती हूँ। जो धर्मशाला का मैदान है वो कश्मीर की वादियों में और ऐसी वादियों में जाके वो खूबसूरत है, पहाड़ है। हाँ। और मेरे ख्याल से जो पहाड़ और सारी चीजों को देख के गोरे इस तरह डर गए कि उनकी जो बुद्धि है वो किसी काम नहीं आई और वो सारे जो है वो, और ऊपर से वो बशीर को जायसवाल ने मार मार के तोता बना दिया यार। जायसवाल ना आउट होता तो आज भी 200 मारता। कसम से मैं चाहता जायसवाल ना आउट हो, या इनको पहले इनको जायसवाल दिखाए अपना यार, पर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अश्विन और कुलदीप की जो बॉलिंग थी, मैं कहता हूँ इंग्लैंड वालों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने का। वो कह रहे माफिया मांग रहे भाई हमें जाने, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा। आज भाई समझ आ गया इंग्लैंड वालों, ऐसी होती है बॉलिंग स्पिनर जो तुम लोगों को ठोक के बजा रहे हैं यार, घंटा बजा दिया पकड़ गया इन्होंने इंग्लैंड का। कुलदीप ने कहा भाई जांदी बाहर का तोहफा आप हमसे ले, हम आपको फाइफर दे के जाते हैं। और वही आज उस बंदे ने जो है परफॉर्म किया यार, उस बंदे का हाथ जज ही नहीं कर पा रही दुनिया। इंडिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है, कोई T20 नहीं है, कोई मतलब का फॉर्मेट नहीं रहा उनके लिए, एक ही क्रिकेट है, बस आओ ऐसी की तैसी करके रख दो अगली टीम की। उन्होंने नहीं देखना अगले इंग्लैंड है, आगे ऑस्ट्रेलिया है, आगे कौन है कौन नहीं। टीम यादव अभी तक पीछे था, इसने फाइबर नहीं किया, तो आज आते साथ ही इसने फाइबर कर दिया, पता नहीं कब का तपा हुआ बैठा था। जायसवाल शुक्र करें आउट हो गया, वरना पहले दिन में मुझे लीड उतरती नजर आ रही थी। वो बंदा T20 खेल रहा था, एक ओवर में 3-3 छक्के मार रहा है, मतलब कि उसने समझ क्या रखा है टेस्ट क्रिकेट को, T20 बना दिया गया। ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल एक ही है और वो है इंडिया, और वो उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। 5 दिन तक मैच जाएगा। ओ भाई 5 दिन आपने ज्यादा बता दिया, ये मुझे लगता है 3 दिन में बुक हो जानी टीम। इन्होंने डब्बा ऐसे बनाना है और सीधा इंग्लैंड भेज देना इनको। क्या आपको लगता है ये टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाएगा? यार मुझे तो लगता है 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। 5 विकेट कुलदीप की, 4 विकेट अश्विन की और 1 विकेट जडेजा की, यार स्प्रेड से यानी कि इनको तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया यार इंग्लैंड को। बेसबॉल तो इनके नाम से हट जाना चाहिए, जो इन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी में भी लिखवाया ना वहां से भी हटवा दे। मैं आज बात करने जा रहा हूं धर्मशाला के अंदर, इंडिया ने तबाही मचा के रख दी, क्या करें। जिस तरह से स्पिनर्स ने आज कमाल दिखाया, बहुत कमाल दिखाया जी, एक्सीलेंट बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग थी जी। हमारी टीम तो बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिखा रही है पाकिस्तान। अच्छा, वाले सर मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो शुभमन गिल का कैच देखा आपने, जिस तरह से उसने देखा। हाँ। जी बहुत अमेजिंग कैच था। हाँ। बहुत बहुत तारीफ है, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अप्रिशिएट के लायक है वो टीम। तो वो इंग्लैंड वाले कहते हैं यार हम बहुत बेसबॉल खेलते हैं, तेज खेलते हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई 218 पे, आज फिर जो है ना बकरी लगा दी उनकी। यार वो जो है ना वो उनको जो अंडर प्रेशर कर दिया गया है। अच्छा। इंडिया की टीम इतनी मजबूत जी स्ट्रॉन्ग बन गई है कि वो किसी को भी अभी अंडर प्रेशर। तो भाई वहाँ गोरे भी बैठे हैं क्राउड में, उन्होंने कौन सा मना किया, आगे गोरे भी यार देख लें उनको प्रेशर में डाल लें इंडिया को। यार नहीं ना वो डाल सकते, वो अंडर प्रेशर होते ही नहीं है। अच्छा। वो अपने अपने अपने, अपने अंदर स्पिरिट है उनके अंदर, एक स्पिरिट है जो वो एक स्पिरिट के साथ खेलते हैं, वो एक टीम है, टीम के साथ खेलते हैं, टीम का करने। टीम इंडिया जब बैटिंग पे आया, जायसवाल ने जैसे आगे मारना शुरू किया, 57 रन पे आउट हो गए, लेकिन कैप्टन अभी भी खड़े हैं 52 रन के साथ। क्या लग रहा है डे टू में कितने रन करेंगे? यार जायसवाल शुक्र करें आउट हो गया, वरना पहले दिन में मुझे लीड उतरती नजर आ रही थी। वो बंदा T20 खेल रहा था, एक ओवर में 3-3 छक्के मार रहा है, मतलब कि उसने समझ क्या रखा है टेस्ट क्रिकेट को, T20 बना दिया गया, उसने T20 क्रिकेट उसने बना दिया टेस्ट क्रिकेट को। आज तो उसने अखीर ही कर दी, मतलब कि 57 रन जो मारे हैं
मतलब कोई ये और 10 ओवर खड़ा हो जाता तो ये तो लीड ही उतर जाती सारी, तो ये तो आउट हो गया था। तो उनकी खुशनसीबी है इंग्लैंड वालों की कि बच गए इंग्लैंड जयसवाल के हाथ से, वरना रोहित शर्मा भी खड़ा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से वही 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता नजर आ रहा है हमें। सर इसके बाद बात करते हैं जरा स्पेशली ब्रेंडन मैकलम पे। मुझे लग रहा है ब्रेंडन मैकलम कोई बदला ले रहे हैं इंग्लैंड की टीम से, बाहर बैठ के बयान दे देते हैं, अंदर जलील टीम होती आगे। जाहिर सी बात है, देखिए बयानों से टीम तो जीती नहीं जाती ना, परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। यहाँ पर ना बेन स्टोक्स चल रहा है, ना जॉय रूट चल रहा है, ना ब्रेस्टो चल रहा है। तो सिर्फ बयान देकर आप मैच थोड़ी जीत सकते हो। मैच तो आप तब जीतोगे जब ग्राउंड में परफॉर्म करोगे। ग्राउंड में परफॉर्म वैसे सिर्फ टीम इंडिया करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो कोई शक नहीं है कि भाईजान कुछ परफॉर्म करके दिखाएं, कोई जो बेसबॉल इन्होंने पकड़ा हुआ था उस पे अमल करके भी दिखाएं, वरना इस दफा तो जिस तरह का हाल किया ना इंडिया ने बेसबॉल, ये मुझे लग रहा है खत्म ही हो जानी है इनकी। अश्विन की 4 विकेट, कुलदीप की 5 विकेट, 218 पे ऑल आउट, उसके बाद 135 पे अभी एक आउट हुआ है, मतलब पहले दिन में ही इंडिया मैच जीत गया। जी ये इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट आपने मैचेस देखे हैं, ये मैं कहूंगा कि इंडिया जिस तरह से परफॉर्म करता आ रहा है ना, तो यकीन करे कि जो T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है ना उसमें वो एक तहलका मचा देगा। अच्छा। आप देखें कि इंग्लैंड जैसी टीम जिसे बानी क्रिकेट कहा जाता है उनको किस तरह से पहली ही मतलब इनिंग में इतनी बुरी शिकस्त दे दी है कि जनाब चंद स्कोर पे ही पूरी टीम उन्होंने आउट कर दी, और चंद प्लेयर ने जो है उनका 4-4 प्लेयर उनके आउट कर दिए। मैं कहता हूँ ये इंडिया की बहुत बेस्ट टीम भी कह सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में जो है वो एक जो है वो धमाका कर सकती है। धमाका तो अभी भी हो रहा है ना, देखिए आज जो धमाका ही हुआ है, 173 पे 3 आउट थे, 218 पे आउट ऑल आउट कर दिए, लगातार 4 विकेट अश्विन निकाल गया। यार यही तो अचीवमेंट होती है, हम छोटी छोटी टीमों से हमेशा जीतकर हम वो छोटी छोटी खुशियां ले समेट कर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शायद हमें सीखना चाहिए, देखे जी अगर बड़े बड़े धमाके करेंगे, बड़ी बड़ी टीमों को हराएंगे तो पता चलता है। अब आप सामने हैं, अब आपने हमसाया मुल्क इंडिया को देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार वो किस पोजीशन पे है, कि आए दिन वो अपने आप को स्टेबल करते हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म करें वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल सर, अब जरा बात करेंगे जिस तरह से बैटिंग में आके बाद में जसवाल ने अटैक शुरू किया, आके मतलब आते सर मारना शुरू कर दिया, उसके साथ फिर हिटमैन भी खड़े थे। सर जी इंडिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है, कोई T20 नहीं है, कोई मतलब का फॉर्मेट नहीं रहा, उनके लिए एक ही क्रिकेट है, बस आओ ऐसी की तैसी करके रख दो अगली टीम की। उन्होंने नहीं देखना अगले इंग्लैंड है, आगे ऑस्ट्रेलिया है, आगे कौन है कौन नहीं, उन्होंने हर किसी को एक ही लाइन में रखा हुआ। उन्होंने कहा जो भी आएगा भाई कुट खा के जाएगा, और जो उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, और इंडिया बार बार प्रूव कर रहा है, बार बार प्रूव कर रहा है वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है वो फाइनल हार गए लेकिन उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि वी आर दी बेस्ट। सर आज के दिन में इंडिया को टाइटल दे दें ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल क्रिकेट, ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल एक ही है और वो है। मैं ये सोच रहा हूँ ये खेल क्यों रहे हैं, इनको चाहिए था चुप करके बिस्तिया बोलिया पैक करते और वापस इंग्लैंड टूट जाते, कहते भाई हमने टेस्ट खेलना ही नहीं है। आज फिर ये जलील हो गए हैं, ऊपर से जो आज कुलदीप यादव और अश्विन ने हल किया, कुलदीप यादव ने 5 ओवर मारा आज, फिर अश्विन और कुलदीप की जो बॉलिंग थी, मैं कहता हूँ इंग्लैंड वालों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने का। वो कह रहे माफी मांग रहे भाई हमें जाने दो, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा। इंडिया वालों ने उनको अपने पंजे में फंसा के रख लिया कि भाई हमें जाने दो। जैसे कि आप देखें कि इंग्लैंड की टीम ना टी ब्रेक से पहले इनके थे 173 पे 3 आउट, और टी ब्रेक के बाद पता नहीं इंडिया ने टी ब्रेक के अंदर कैसा क्या खाया, पता नहीं कौन सा उन्होंने एक नुस्खा उन्होंने आजमाया कि 173 के बाद अश्विन जडेजा और कुलदीप यादव ने भाई इंडिया यानी कि इंग्लैंड को तबाह कर दिया है। 5 विकेट कुलदीप की, 4 विकेट अश्विन की और 1 विकेट जडेजा की। यार स्पिनर से यानी कि इनको तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया यार इंग्लैंड को। ऐसी स्पिनर कर रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी इंग्लैंड को इनके साथ हो क्या रहा है। ये कि तो कह रहे थे टी ब्रेक से पहले तो हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, टी ब्रेक के बाद क्या हो गया इनको? इंग्लैंड को टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला महंगा पड़ गया, ये बहुत ही महंगा पड़ गया, इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। और जब इन्होंने बैटिंग किया और जब इनको कोलैप्स हुआ ना उसके बाद जब बैटिंग करने है, जैसा कि यार रोहित शर्मा जयसवाल आए हैं यार 175 पे 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट, ऐसा हाल किया आज इंग्लैंड का। 183 पे 8 आउट हो गए थे, 183 पे बिल्कुल 8 आउट हो गए थे। ये होती है बॉलिंग, और ऐसी बॉलिंग याद बहुत जो बॉलिंग की है ना आज इंडिया ने, बुरा हाल कर दिया। मतलब इंग्लैंड वाले भी यानी कि सोच रहे होंगे हमारी बेसबॉल तो पहले ही बढ़ गई थी, लेकिन ये जो हमारे बीच में आ गया ना मिडबॉल आकर की बोले बढ़ती है ना, ऐसी सी विकेट मारती है। कुलदीप यादव तो समझ ही नहीं आ रहा इनको, कुलदीप यादव क्या, मैं तो अश्विन से परेशान हूँ। कुलदीप यादव तो वैसे ही मैं कहता हूँ ना जब वो जादूगर बना हुआ है, मोहम्मद आसिफ बना हुआ है, ऐसे बॉल मारता है और ऐसे जाती है। स्पिन बॉलर है यार, इंग्लैंड तो यही खेलने जा रहे, ये कहते जी हम लोग स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं। आज भाई समझ आ गया इंग्लैंड वालों, ऐसी होती है बॉलिंग स्पिनर,
जो तुम लोग ठोक के बजा रहे हैं यार, घंटा बजा दिया पकड़ के इन्होंने इंग्लैंड का। जायसवाल ने यार यानी कि बैटिंग की है पूरी यानी कि सीरीज के अंदर, ओए होए मैं कहता हूँ एंड कर दिया। आज भी उसने 50 मारी है, फिर उनको पड़ गया है यानी कि जायसवाल, उसके हजार उसके रन मुकम्मल जो हो चुके हैं उसके जायसवाल के सिर्फ कितने मैचों में, 9 टेस्ट मैचों में। और सबसे ज्यादा स्कोर किसके कहाँ पे किया उसने, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की बैंड बजा दिया पकड़ के यार, मजा आया देख के। और ऐसी यानी कि देखो जब भी यानी कि क्रिकेट की दुनिया में याद किया जाएगा ना कि यार इंडिया के कोई बॉलर से जो इंग्लैंड को फट्टे से गा दिए थे पकड़ के, वो इंडिया के बॉलर्स का नाम आ गया टॉप के ऊपर यार, इन्होंने उड़ाया इनका, बुरा हाल कर दिया लेकिन मजा आया। जायसवाल जो यार, जायसवाल जैसे यंगस्टर मैंने आज तक नहीं देखा यार, यार सिर्फ 9 टेस्ट मैच के अंदर हजार रन उसने कर लिए यार, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं अपने पूरे लाइफ टाइम में एशिया के अंदर, सिर्फ 9 टेस्ट मैच में हजार यार, ये तो अनबिलीवेबल सी बात है यार। मुझे ना लगता है जो इनका बॉलर नहीं इंग्लैंड का बशीर, इसके और जायसवाल की आपस में ना कोई लड़ाई थी, मेरे ख्याल से बचपन में ना दोनों लड़े थे आपस में, ये बशीर ने ना इसकी चीज ना कोई चुरा के खा ली थी यार। एक ओवर में 3 छक्के, इतने छक्के मारे हैं इसने इसको, यानी कि यार उसने अपना 50 का आधा स्कोर ना इसके ओवर में किया यार, 3-3 छक्के, कभी एक छक्का उसको, एक छक्का उसको, यार इतना उसको मारा है, मेरे ख्याल से अपनी देखेंगे हम बशीर को बाकी मेरे टेस्ट मैच के अंदर, हम नहीं देखेंगे इसको यार। देखें ना, अभी तो पहले दिन के अंदर इंग्लैंड फिर आउट हो गए, क्या आपको लगता है ये टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाएगा? यार मुझे तो लगता है 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, जैसे इनके बुरे हालात चल रहे हैं और जैसे इंडिया स्कोर कर रही है, वहाँ पे रोहित शर्मा अभी तक लगा हुआ है और जायसवाल 50 करके आउट हो गया है, उसके बाद शुभमन गिल आ गया, अब वो इनको पेलेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाएगा भाई, अब जब इन ये लोग एक अच्छा सा टारगेट करेंगे यहाँ पे और इंग्लैंड को ये लोग 50-60 से पहले ऑल आउट कर देंगे। बेसबॉल इंडिया इंग्लैंड का, ओ भाई बेसबॉल का तो नामो निशान ही खत्म हो गया, ये बस शुरू के 2-3 टेस्ट मैचों में चला हुआ रो बॉल रह गया रोहित शर्मा का, हाँ जी रो बॉल रह गया और जायसवाल रह गया जायसवाल का। यार टी ब्रेक से पहले इंग्लैंड के 173 पे 3 आउट थे और टी ब्रेक के बाद 183 पे 8 आउट हो गए, इतना बड़ा कोलैप्स मैंने आज तक नहीं देखा। और ऊपर से वो बशीर को जायसवाल ने मार मार के तोता बना दिया यार, जायसवाल ना आउट होता तो आज फिर 200 मारता होगा यार, कसम से मैं चाहता जायसवाल ना आउट हो यार, इनको पहले इनको जायसवाल दिखाए अपना यार, पर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, चलो कोई बात नहीं, बेटर अब वापस तो होश में ही नहीं आए। देखे अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात आज के दिन में जो जाती है ना, देखे पहले दिन के अंदर पहले सेशन के अंदर स्पिनर्स ने आगे डोमिनेट किया और देखे पहले सेशन के अंदर किया, दूसरे में भी किया, तीसरे में भी किया, देखे स्पिनर्स ने आगे 10 की 10 विकेट उड़ा के रख दी इंग्लैंड की टीम को, जो इतनी बड़ी पायनियर ऑफ क्रिकेट मानी जाती थी, गॉड मानी जाती थी किसी वक्त में क्रिकेट की, लेकिन देखे इंडिया ने बंदर बना के रख दिया सर, बंदर बना के सर। अश्विन के हवाले से क्या कहेंगे सर, अश्विन तो छाए हुए 4 विकेट भी ले गया, अगर एक विकेट जडेजा ना लेकर फिर शायद वो भी क्लीन स्वीप कर दे सर, कुलदीप यादव में किया सर। स्पिनर के हवाले से क्या, स्पिनर के हवाले से अश्विन के हवाले से अश्विन की बात की जाए, अश्विन ना बुरा शेर बनकर साबित हो रहा है इंडिया के लिए और बड़ा धार्ड है सर, नजर आ रहा है। देखे यार हर मैच में, आज का मैच नहीं देखे आप, पिछले मैच पूरी सीरीज के अंदर ओवरऑल देखें तो हर मैच के अंदर हर इनिंग के अंदर 4-5 विकेट्स लेके गए हैं और इस अभी जैसे उन्होंने अपना स्टार्ट लिया मुझे लगता है ये मैच खत्म होने तक वो अपना 10 विकेट तो कहीं नहीं गई ना उनकी, 10 विकेट तो पक्की है। कुलदीप यादव की बात की जाए उसने बड़ा अच्छा कमबैक किया, उसने देखे कितना ही आला विकेट्स लिया, वो बंदे का तो हाथ मैसेज नहीं ना पड़ा जाता, उसकी कलाई नहीं पड़ी जाती तो बैट्समैन को समझ के आएगी बॉल कहाँ से आ रही है किधर को आ रही है। अच्छा सर आप अश्विन की बात की है कुलदीप यादव की, सर कुलदीप यादव की बॉलिंग के हवाले से क्या, वो तो अपना जलवा दिखाते हैं इंडिया, कोई ना कोई बॉलर आके कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाता है, अगर हम किसी इनिंग में बात करें कोई इनिंग में बॉलर चल रहा है कोई इनिंग में बैट्समैन चल रहा है, या तो दो इनिंग में दोनों उनके बैट्समैन बॉलर चलते हैं सर, इतना टैलेंट इंडिया के पास बड़ा पड़ा है। और अगर बात करेंगे ना होली पॉप को भी आउट किया गया सर, जब भागे हैं उन्हें आउट कर दिया गया दो की सर, कीपिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? यार कीपिंग बहुत आउट क्लास ही देखे इंडिया के पास, हर कंप्लीट पैकेज है यार उनके पास, बॉलिंग भी आउट क्लास है, बैटिंग भी आउट क्लास है, उनके पास फील्डर भी आउट क्लास है। देखे हमने देखा पिछले दिन और पिछले कुछ अर्सा पहले देखा था जडेजा को बेस्ट स्पिनर का अवार्ड मिला था, उसके बाद देखे अब उन्होंने आके ना देखे यार वो जब भी मैदान में आते हैं ना फुल प्रोफेशनल होकर खेलते हैं और अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। MS धोनी ने बयान दिया था कि आप जब बैट्समैन जब कोई भी प्लेयर आके खेलता है ना वो क्राउड के लिए नहीं खेलता कंट्री के लिए खेलता है, तो वो चीज़ हमें इंडिया की टीम में ही सिर्फ नजर आती है। सर आप मुझे अब बताएं आप जिस तरह बात की कीपिंग की, हमने बात करी, हमने शुभमन गिल की बात करी, हमने अश्विन की बात की, सर आप मुझे बताएं रोहित शर्मा क्या करेंगे सर? रोहित शर्मा भी हमने सुनने में आया कि रोहित शर्मा ने एशियन के पहले बैट्समैन कप्तान बन गया जिन्होंने WTC में 50 सिक्सर किया हिटिंग किया, क्या कहेंगे सर? यार देखें सारा क्रेडिट इस टाइम इंडिया की टीम जहाँ पे भी खड़ी है ना
ऑल क्रेडिट गोज़ टू रोहित शर्मा एंड इंडियन मैनेजमेंट, उन्हीं को जाता है यार। देखें जब आपके पास ऐसा दिमाग होगा ना, आपने टीम को मैनेज किया उस हिसाब से, देखें और देखें अभी तो वो अपने नए डेब्यूटेंट्स लेके आया, उनको ट्राई किया, उनको खिलाया, तो हमें कहीं भी जूनियर सीनियर का गैप नज़र नहीं आया। हमें ऐसे ही लगा जैसे वो भी सीनियर प्लेयर है और वो भी जूनियर प्लेयर नहीं है, वो भी सीनियर प्लेयर ही है। देखें ये बड़ी कॉन्फिडेंस की बात होती है जब आपके पीछे कोई बैक करने वाला अच्छा आदमी हो ना, जो पूरे माइंडसेट के साथ खेलता हो, जिसे पता हो मैंने किस कंडीशन पे किस टैलेंट को यूज़ करना है, यहाँ पे किस बॉलर को यूज़ करना है, यहाँ पे किस बैट्समैन को यूज़ करना है, तो फिर आपकी टीम ऐसे ही डोमिनेट होती नजर आती। ठीक है साहब, आपको क्या लगता है ये जो मैच इंडिया अपने नाम कर लेगा इस दफा, चार एक कर चुका है? देखिए ये तो हमें हिस्ट्री बताती है यार, जब भी 5 मैच की सीरीज हुई है 4-1 से इंडिया ने अपने नाम किया, तो इस तरह भी नेक्स्ट टाइम यार। देखिए इंग्लैंड एक टाइम पे टेस्ट क्रिकेट के बाप मानी जाती थी, कहते कि इंग्लैंड से बड़ी टेस्ट मैच की बैटिंग बॉलिंग, बाप सिर्फ इंडिया है, इंडिया सिर्फ बाप है, इंग्लैंड कहाँ से बाप बनती पीढ़ी टेस्ट का, ये सिर्फ बातें ही थी जो हवा में उड़ गई हैं। अब इंडिया बाप है, इंडिया ने इनको बाप बन के बता दिया, ये इंग्लैंड वाले तो बच्चे हैं, बिलीव करो इंडिया के सामने। और जैसे इंडिया के बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं यार, रोहित शर्मा देखो कितना स्कोर मार रहा है यार, अभी तो शुभमन गिल ने मुझे लगता है पक्की सेंचुरी मारेगा, उसके बाद उनको जो सरफराज ने पढ़ना ना, बिलीव करो ये कल के अंदर आपको 500-600 स्कोर नजर आना फिर इंडिया को पड़ता हुआ। और इंडिया वाले खुद कहते ना, इंडिया वाले तो वैसे ही स्कूल में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो यह मैच मजाक था। ठीक है, इंग्लैंड वालों ने फिर बढ़वा लिया अपने आप के, इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही थी कि बोले वो करके आ रहे हैं, कभी यहाँ से जा रही कभी यहाँ से जा रही, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, वो अन्य वाई घेरे थे। 5 दिन तक मैच जाएगा, ओ भाई 5 दिन आपने ज्यादा बता दिया, ये मुझे लगता है 3 दिन में बुक हो जानी टीम, इन्होंने डब्बा ऐसे बनाना है और सीधा इंग्लैंड भेज देना इनको। हाँ स्टार्ट है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी रही आज की इंडिया ने, आज क्या धूम मचा दिया है जो भी। यार बॉलिंग से स्टार्ट किया उन्होंने, देखें मतलब 218 पे पूरी टीम को ऑल आउट करके भी उनको सुकून नहीं मिला। ठीक है, एंड क्या रिजल्ट निकाला उन्होंने देखें, मतलब 20-25 ओवर के अंदर 135 रन खड़े कर दिए दोबारा। मुझे वाकई लगता है या तो जायसवाल खड़ा रहता और या इनको मतलब 10-15 ओवर और मिल जाते तो लीड आज खत्म हो जानी थी जो थी। ठीक है, अगला मैच अगले दिन इन्होंने दोबारा से स्टार्ट करना, 300-400 बना के इन्होंने कहना था आओ आपको दोबारा आउट करते हैं इतने ही रन पे और फिर अपने घर जाओ वापस। कुलदीप यादव का मैजिशियन माना गया, लाइक उसकी बॉल समझ नहीं आ रही इंग्लैंड को। यार कुलदीप यादव का ना उसका ये था, मतलब सब कोई 5 विकेटें ले रहा है, कोई 6 विकेटें ले रहा है, 2-4 सबकी चल रही है। ठीक है, इसका फाइफर नहीं हुआ था। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है इसको दिल में होगी ना उमंग या सबको होगी कि यार आज मैंने लेना, मतलब पहले अश्वन ने जो चलाया अपना जादू, नहीं पहले कुलदीप यादव ने चलाया। ठीक है, उसके बाद अश्वन ने कहा भी नहीं मेरा भी 100वां मैच है, थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी। ठीक है, और उसने अपना हिस्सा ले लिया। देख लें तो कहां पे नजर आ रही है आपको इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट, कहां पे गया इंग्लैंड जो टेस्ट क्रिकेट पे राज करता था एक टाइम पे। यार बेसबॉल तो इनके नाम से हट जाना चाहिए, जो इसने इन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी में भी लिखवाया ना वहां से भी हटवा देना चाहिए। ठीक है, हां बाकी है जायसवाल का अब रिप्लेस कर दे उसके साथ, और उसके बाद इंग्लैंड जो है वो दोबारा इंडिया में खेलने ना आए कम से कम, ये हो सकता है। यार बशीर ने जो पिछले मैच में 5 आउट किए थे, 5 से 6 आउट शायद किए थे, तो आज बशीर को जायसवाल ने एक ओवर में 3 छक्के मारे हैं, क्या ये दुश्मनी कोई लग रही है इन दोनों यंगस्टर्स की आपस में? देखे ना दोनों डेब्यूटेंट है, एक इंडिया का डेब्यूटेंट है एक इंग्लैंड का डेब्यूटेंट है। ठीक है, दोनों ने कहा कि हम जी क्या परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसने कहा देखे मैं 5 आउट करके दिखाता हूँ, उसने कहा ठीक है अगले मैच में देखते हैं, मैं तुम्हें एक ही ओवर में 3-3 छक्के लगा के दिखाता हूँ। तो देखे अब क्या नजर आ रहा है फ्यूचर का मैच, ये 5वें दिन तक जाएगा? नहीं 5वें दिन तक नहीं जाएगा, मेरे ख्याल में ये एंड हो जाएगा 3रे दिन तक, क्योंकि इंडिया कल के दिन में कोई स्कोर खड़ा कर देगा 400-500 जितना करना होगा और अगले दिन में उनको आउट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का कम बैक अभी पॉसिबल, मतलब कि ये इंग्लैंड का बेसबॉल क्रिकेट बढ़ गया, तो वो तो बड़ा ही हुआ है पहले से। फाइफर आज फिर लगा गए साथ में, उन्होंने नहीं किया वी आर द बेस्ट, इंग्लैंड ने प्रूव किया वी आर द वर्स्ट टीम। देखें जिस तरह से 9th इनिंग आ गई है, एक इनिंग में भी नहीं चल सके, बैसबॉल की रट लगी हुई है। भाई कम से कम बैसबॉल खेल के तो दिखा दो, बेन टकट बयान ही दी जा रहा है भाई जायसवाल हमसे सीख रहा है, भाई उसने सीख लिया कुछ तू भी कर ले। देखिए आज जिस तरह से बेन स्टोक की स्पेशली बात करूंगा, एशेज में बड़ा बड़बड़ के खेलता है, ठीक है क्योंकि वो उनके होम ग्राउंड होते हैं, बैट्समैन का तब पता चलता है जब वो टफ कंडीशन में आगे परफॉर्म करे, टफ कंडीशन में इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो क्रोली हर मैच में बेचारा 50-60, 55-60 कर जाता है, उसके अलावा कोई बैट्समैन विकेट पे टिक के राजी नहीं है, आज भी वही हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है, आज इंग्लैंड कह लें कि क्रोले फिर से थोड़ा बहुत चल गए हमें दिखाई दी, उसके बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे जो भारतीय बॉलर उनको फेस कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें इंडिया के बॉलर बहुत तगड़े जा रहे हैं इस वक्त, हमें डर लग रहा था स्पेशली बुमराह से कि यार बुमराह अगर चल गया ना तो इनको उड़ा देगा। कुलदीप ने कहा ठहर जाओ पहले, मैं देखिए 17 ओवर में उसको ले गया
है, तकरीबन 30 ओवर तक उसने अपने 5 पूरे कर दिए, पहले 6 में से 5 उसके थे, उसके बाद अश्वन आया उसने लगातार 4 आउट कर दिए। तो अब ये देखेंगे वो पूरा सिनेरियो बना के आते हैं कि यार ये विकेट्स तेरी हैं, ये विकेट्स तेरी हैं, अमल दखल नहीं करना इसमें और हमें पूरा खेलना है। कि अगर धर्मशाला की बात की है तो वो बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आ रही है आपको, लेकिन आज फिर भी इंग्लैंड बेचारा क्या क्या हो क्या गया उसको? देखिए बैटिंग फ्रेंडली हो या बॉलिंग फ्रेंडली हो, आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। जब आपने परफॉर्म ही नहीं करना, अपने सारे अपनी एनर्जी जो है वो बयानात पे वेस्ट करते रहना है। जब ब्रेंडन मैकलम ने यही बोलते रहना है कि हम ऑन पेपर अच्छी टीम है, हम ऑन पेपर अच्छी टीम है, तो भाई फिर आप ऑन पेपर ही जीतोगे, आप ग्राउंड में नहीं जीत सकते। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करेंगे आज भारतीय बॉलर्स की, जिस तरह से कह लें कि उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं, हमेशा ही छुड़ाए हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही कर दिया, आज फिर क्रॉले के अलावा किसी को चलने नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए अगर बात की जाए बॉलर्स की बात तो बाद में करेंगे, सबसे मेन बात आती है स्पिन बॉलर्स ने आगे देखें क्या हाल करके रख दिया इंग्लैंड की टीम का, जो बड़े सूरमा माने जाते थे अपने दौर के, पायनियर ऑफ क्रिकेट भी हैं और वैसे भी बेसबॉल क्रिकेट खेलते थे वो, तो इंडियन स्पिनर्स ने आके उनका इतना बुरा हाल करके रख दिया। देखें अभी तो फास्ट बॉलर्स की बारी नहीं आई, अगर फास्ट बॉलर भी अपना जलवा दिखाना शुरू हो जाते फिर पता नहीं क्या हाल होना था इनका। एग्जैक्टली रोहित शर्मा की बात करें, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड इतना ही कह रहा है कि जो जयसवाल है वो हमें देखकर खेलना शुरू हुआ है, फास्ट उनका भी आपने अभी ऋषभ पंत को खेलते हुए नहीं देखा। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें इन्होंने कहा हमें देख के खेलना शुरू किया, अभी ऋषभ पंत पीछे बैठे हुए हैं, जिंके रहाणे पीछे बैठे हुए हैं, अभी बड़े बड़े बैट्समैन इंग्लैंड के टेस्ट के पीछे बैठे हुए हैं, अभी तो ये डेब्यूटेंट लेके आ रहे हैं जो इतना परफॉर्म करके जा रहे हैं, नए बच्चे लेके आ रहे हैं, अभी एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आए, फिर तो इंग्लैंड का पता नहीं क्या हाल हो जाना। और मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा था पहले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया थोड़ा सा रिलैक्स होगा, इंग्लैंड का रिलैक्स होगा ये मैं सोच रहा था, लेकिन उन्होंने बंदर बना के रख दिया इंग्लैंड को। क्या एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से कह लें कि आज की बॉलिंग रही है आप, तो इंडिया ने डेफिनेटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये भी टाइटल अपने नाम कर ही लेना है। जी बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है, ये सारा गुस्सा ना इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ही निकाल रहा है, वो जो टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए थे ना, आप देखें वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी रूल करने लगे, नंबर 1 पे आ गए, तो मुझे लगता है इन्होंने ऐसी जो भी टेस्ट सीरीज आनी है ना उसमें